नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन सो एनर्जी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर हाइब्रिड प्लांट आप लगाते हैं और उस पर अगर नेट मीटरिंग करा लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी जो टाइम हो गया है वो लगभग 9:30 हो गया और इस टाइम पर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है एक इन्वर्टर, चूँकि यहाँ 20 किलोवाट का प्लांट लगा है तो एक इन्वर्टर से लगभग 5.5 किलोवाट का प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरे इन्वर्टर से 4.5 किलोवाट का, मतलब कि इस तरह से हमारा 10 किलोवाट का प्रोडक्शन हो रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा घटेगा, और लोड अभी नहीं चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो गया है। ऐसे केस में अगर नेट मीटरिंग नहीं रहता तो पूरा वेस्ट जाता, लेकिन नेट मीटरिंग हो गया है तो देख रहे पूरा का पूरा एक्सपोर्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि रात का जो बिजली है जो खपत कम करने वाले उसको हम अभी स्टोर कर रहे हैं ग्रिड में। और ये हम देख रहे लाइटिंग स्टेट लगाए हैं इतना हाइट पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर करकट वाला पूरा सेट। किसी के माइंड में ये भी बात होगा, ये तो अपने जो लोहा पे कसा हुआ है तो फिर ये लाइटिंग से हुआ कैसे, तो वह लोहा पे नहीं है, यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। देख रहे हैं आपको यहाँ पे इंसुलेटर टाइट किए हैं, और जो तार है वो इंसुलेटर में लग करके फिर ऊपर टाइट हुआ है, और उसका अर्थिंग यहाँ पे है। और ये जो अर्थिंग है ये पूरा 40 फीट का अर्थिंग है, वो प्रॉपर कॉपर वायरिंग का। आप लोगों के मन में हुआ कि इतना बड़ा प्लांट तो लग गया है, हाइब्रिड लग गया है, लेकिन हमका इसका बेनिफिट कैसे दिखेगा? तो इसका बेनिफिट आपको दिखेगा कहाँ पे? नेट मीटर पे। और चलिए अब नेट मीटर का रीडिंग के बारे में बताते हैं कि उसमें हम कैसे चेक करेंगे हमें कितना बिल आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आ रहा है। ये साइड देखिए, ये वाला जो साइड दिख रही है वाला, ये वाला दिखा रहा है कि आपने कितना यूनिट लिया है सरकार से। ठीक है, ये वाला आधा कट, जो आधा कट है ना इधर, वो दिखा रहा है कि आपने कितना लिया है, और इधर आधा कट दिखा रहे कि आपने सरकार को कितना दिया है। ठीक है, 994 दिए हैं। हाँ। और ये कितना था, 1586 लिए हैं। लिए हैं, ठीक है। हाँ। अब देखिए, अब ये बता रहे नेट कि आपने कितना यूनिट आपने यूज किया, मतलब टोटल नेट हो गया KVAH, ये टोटल हो गया 553। हाँ, इतना आपको बिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिला कि हमने जो थ्री फेज नेट मीटरिंग कर रखा था और हाइब्रिड सिस्टम पे, उस पर हमको कितना बेनिफिट मिला, मतलब कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया था और कितना इंपोर्ट किया था और कितना मेरा नेट यूनिट आया जिससे हमको बिल करके देगा। यदि इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और अच्छा सा नया टेक्नोलॉजी का कुछ सीखना चाहते हैं तो जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करते चलिए। और दोस्तों